नमस्कार दोस्तों, गर्मियों में पुदीना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन लाने के 2 दिन के अंदर ही ये काला होने लगता है। पुदीने को बिना काला पड़े हम स्टोर करेंगे। मैंने कुछ पत्तियाँ पुदीने की ले ली हैं और टहनी के साथ ही कुछ धनिया ले लेंगे। हम रफली काट लेंगे इसे। हम मिक्सर जार में डालेंगे, पुदीना भी डाल लेंगे, टेस्ट के हिसाब से हम हरी मिर्च डालेंगे, एक टुकड़ा अदरक का डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ा काला नमक, नींबू भी गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, 2 नींबू डाल देंगे हम इसमें, 4-5 बर्फ के टुकड़े डाल देंगे ताकि पुदीने का रंग काला ना हो। बारीक पीस लेंगे। चटनी मैंने पीस ली है, अब हम इसको ट्रे में भरकर रख लेंगे। बिल्कुल बढ़िया रंग है इसका और ऐसा ही रहेगा। ट्रे को हम फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ देंगे, ये कुछ इस तरह से जम जाएंगी। ये मैंने पहले से ही लगा के रखी थी और निकालने के बाद हम कुछ टिफ़न या डिब्बे में हम भर के इसे रख लेंगे। जब ज़रूरत हो 15 मिनट पहले निकालिए, जितनी क्यूब चाहिए उतनी निकालिए और यूज़ कीजिए। इस तरीके से हम पूरा पुदीना एक बार में ही यूज़ कर लेंगे और चटनी को 10-20 दिन आराम से स्टोर करके रखिए। ज़रूरत के हिसाब से क्यूब्स निकालिए और यूज़ कीजिए। पुदीना काला पड़ने का कोई डर नहीं रहेगा इसमें। आप भी इसी मेथड से अपने पुदीने को स्टोर कीजिए और लंबे समय तक चलाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।